Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Now the richest person on the planet. पिछले 17 दिन से मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ, लेकिन बस 3 मिनट के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 हैबिट्स के बारे में जिनको फॉलो करके इलॉन मस्क आज दुनिया का सबसे वेल्दी इंसान बने हैं। इन 5 हैबिट्स में से चौथा हैबिट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए वो मिस करने की गलती तो बिल्कुल मत करना। इलॉन मस्क बिना थके घंटों घंटों तक काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो हर हफ्ता 70 से 80 घंटा काम करते हैं और कभी कभी तो 120 घंटा भी हो जाता है। My workload went up from about, I don't know, 70 to 80 hours a week to probably 120. इलॉन मस्क एक बिलियनियर होने के बाद भी वो फैक्ट्री में जाके अपने एम्प्लॉयज को असिस्ट करते हैं। अगर वर्कलोड ज्यादा हो तो कभी कभार वो फैक्ट्री में ही सो जाते हैं। Where do you sleep tonight? Tonight's in the factory. ये दर्शाता है कि वो कितना ज्यादा पैशनेट है अपने काम को लेकर। स्पेस एक्सप्लोरेशन, सस्टेनेबल एनर्जी, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन या फिर न्यूरल टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे ऐसे आइडियाज है जो दुनिया में एक रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। और इन्हीं आइडियाज को अंजाम देने के लिए इलॉन मस्क अपनी पूरी जिंदगी काम किया है। ये हमें सिखाता है कि अपने आइडियाज और कॉन्फिडेंस के ऊपर विश्वास रखना कितना जरूरी है जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए। दुनिया को लगता है इलॉन मस्क पैसों के लिए इतना मेहनत करता है, लेकिन सच तो ये है कि वो कभी पैसों के लिए काम ही नहीं किया। Offer me power. I don't care. वो आज जो कुछ भी है अपनी पैशन की वजह से ही है। एंड आई थिंक पैशन उसी को कहते हैं जिस काम को आप बिना सैलरी के कर सकते हो। इसलिए जिस काम को करने में आपको सही में अच्छा लगता है उसी काम को आप एज अ करियर करते रहो। ऐसा हो सकता है कि शुरू में आपको पैसा ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपका बहुत हेल्प करेगा। इलॉन मस्क का बड़े भाई किमल मस्क के हिसाब से वो हर दिन 10 घंटे बुक्स पढ़ा करते थे जब वो एक टीनेजर थे। इलॉन मस्क रॉकेट साइंस जैसे सुपर कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी उन्होंने बुक्स पढ़ के ही सीखे हैं। Yourself-taught? Well, I read a lot of books, talked to a lot of people and have a great team. आज वो 5 कंपनीज के ओनर है। उनका पूरा दिन बिजी रहना नॉर्मल है, लेकिन फिर भी 14 घंटे काम करने के बाद वो बुक्स पढ़ना नहीं भूलते। इलॉन मस्क का जिस मुकाम पे खड़ा है उसका पहला वजह यही है कि अपनी फेलियर से ना डर के उसका जम के सामना करना। इलॉन का टेस्ला कंपनी प्रॉफिटेबल बनने से पहले बहुत स्ट्रगल कर रहा था। उस वक्त कंपनी की फंड में से पैसा खत्म हो गया था और वो बैंकक्रप्ट होने की कगार पे खड़े थे। इस वक्त वो अपने घर से पैसे लगा के कंपनी को बचाया था। इलॉन जब स्पेसएक्स के आइडिया के बारे में इन्वेस्टर्स को बताए थे तब उसको सबने फ्लॉप घोषित कर दिया था। यहाँ तक कि स्पेसएक्स का पहला 3 लॉन्च तो फ्लॉप भी हो चुका था, लेकिन फिर भी इलॉन मस्क कोशिश जारी रखा और 4th लॉन्च को सही अंजाम देके सबको गलत प्रूफ किया। इलॉन का हार ना मानना और अपने आइडियाज के ऊपर भरोसा करके उनपे डटे रहना उनके सक्सेस का एक की पॉइंट है। तो दोस्तों ये था इलॉन मस्क का कुछ हैबिट्स। होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।